ज़्यादा उस बात को ध्यान से सुनते हैं। जैसे कि बहुत सारे कैंपेन्स में हम जब भी कुछ ऐसे जागरूकता अभियान होते हैं, अमित जी को देखते हैं तो सभी सुनते हैं, हम और ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं। कभी कृषि से रिलेटेड, जैसे आज हम यहाँ पर सुरक्षा सप्ताह, सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए मिले, तो अगर मैं बोलूँगी, जैसे कई बार बोलते हैं कि भाभी जी हम साड़ियों के वो करते हैं, एड्स करते हैं या दूसरी ज्वेलरीज के या हर चीज़ के, तो लोगों का ध्यान जल्दी जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी ऐसा कोई इनिशिएटिव होता है तो लोग उस बात को सुनते हैं। हम कई सिटीज़ में ट्रैवल करते हैं, वहाँ भी मैंने देखा है कि वो बराबर ध्यान देते हैं कि अगर हम अगर मैं सीट बेल्ट पहनी हूँ नहीं पहनी हूँ, तो ये सारी चीज़ें। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब एक एंटरटेनमेंट के रूप में कोई बात कही जाती है, वो जल्दी लोग उस चीज़ को रिसीव करते हैं, और पूरी पूरी कोशिश हम करेंगे कि हम इस चीज़ को और भी ज़्यादा स्प्रेड करें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर बच्चों को भी ये बताना बहुत ज़रूरी है, जो 17-18 साल के टीनेजर्स पहले ही गाड़ी चलाने लग जाते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं, तो घर में भी ये जब पूरी फैमिली बैठ के देखेगी आई थिंक तब इस बात पर चर्चा होगी, और छोटे बच्चों को भी एक सही मैसेज पहुँचेगा टीनेजर्स को खासकर। क्या भाभी जी घर पे है, तो और भाभियों को क्या बोलना चाहेंगे, और भाइयों को बोलना चाहेंगे, और यंग जनरेशन है उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे कि आप तो भाभी जी घर पे है, भाभी जी बाहर निकल के उनके लिए क्या बोलेंगे? हम तो सबको अम्मा जी, भैया जी, भाभी जी, दीदी, सबको बोलने वाले हैं कि जब भी गाड़ी चलाएं बहुत बहुत ध्यान रखें, सारे नियमों का पालन करें, ये बहुत ही ज़रूरी है हम सबकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही, एक छोटी सी गलती बहुत खतरनाक हो सकती है हमारे लिए भी और हमारे परिवार के लिए भी। तो जितना कोशिश हो सकेगी जरूर हम सभी को ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। देखिए असली मुद्दा है लोगों तक ये अवेयरनेस फैलाना, चाहे वो हमारे माध्यम से पहुंचे, चाहे इनके माध्यम से पहुंचे, चाहे किसी और एक्टर या किसी भी और माध्यम से पहुंचे, टीवी के माध्यम से पहुंचे, सिनेमा के माध्यम से पहुंचे, असली मुद्दा है लोगों तक ये चीज़ पहुंचाना कि ये सारे नियम कानून फॉलो करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इट डजंट मैटर कि कौन पहुंचा रहा है, चाहे वो एंटरटेनमेंट से हो, चाहे किसी और, चाहे ये हमारे जो हीरोज़ हैं यहाँ पर बैठे हुए, ये लोग पहुंचाते हैं, ये लोग यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन शायद घर घर तक नहीं पहुँच पाता है। तो हम लोग वो जरिया है, हम लोग वो माध्यम है जिसके जरिए पहुँचेगा घर घर तक, और बीइंग एन एक्टर ये हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि लोग हमारे सुनते हैं, लोग हमें देखते ज़्यादा हैं। शायद इन लोगों को, ये लोग सड़कों पे रहते हैं, ये लोग मेहनत करते हैं, लेकिन हम लोग अपना टीवी के माध्यम से घर घर में पहुंचते हैं और हमें लोग ज़्यादा देखते हैं, इसलिए जैसा इन्होंने कहा कि हम लोग टीवी कमर्शियल्स या किसी भी चीज़ों को करते हैं, लोग देखते हैं उसको, फॉलो करते हैं, लोग आइडल मानते हैं या इंस्पायर होते हैं। तो असली हीरोज ये लोग हैं, लेकिन लोग अगर हमें फॉलो करते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम लोगों तक सही मैसेज पहुँचाएँ। सबसे पहले आप लोगों को कैसा लग रहा है इससे जुड़कर, आप यहाँ पर आई है, एक अलग तरह का माहौल, कितना अच्छा लग रहा है। साथ ही आज इतने सारे सभी ट्रैफिक पुलिस दिख रहे हैं, सभी यही सोच में होंगे कि आज वाकई यहाँ चल क्या रहा है, और साथ ही भाभी जी भी यहाँ पे है, प्लीज आप बताइए आज का विषय है क्या। तो आज भाभी जी ट्रैफिक पुलिस के जो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में है, और ये बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग इस अभियान का हिस्सा बने हैं सड़क सुरक्षा सप्ताह के। लेकिन वही, जैसा कि प्रवीण जी ने कहा कि ये सिर्फ सप्ताह की बात नहीं है, ये पूरे साल की बात है, और एन टीवी ने ये इनिशिएटिव लिया, और आप लोगों ने वीडियोस भी देखे कि हेलमेट पहनने के लिए या ओवर स्पीडिंग के लिए या ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए, जो कई बार हम थोड़ी मस्ती में, थोड़ी लापरवाही में लोग इस तरह की चीज़ें कर लेते हैं और बहुत बड़ी दुर्घटना का सामना करना पड़ता है, खुद के लिए भी, जो कि खुद को तो अफेक्ट करता ही है, लेकिन आपके परिवार को, आपके बच्चे, योर वाइफ, योर मदर, योर फादर्स, जो सब घर पे इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही जो हर जगह होर्डिंग्स पे भी लगा रहता है ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी, तो वो अवेयरनेस जो है वो भाभी जी अपने अंदाज में समझा रही हैं लोगों को, और आज हम इसीलिए यहाँ हैं, और वीडियोज़ के माध्यम से भी, और आज आप लोगों के माध्यम से भी हम लोग ये बात लोगों तक पहुँचा रहे हैं कि अवेयर रहिए, हर वक्त ध्यान रखिए। बहुत आसान सी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ बहुत मुश्किल बातें नहीं हैं, बहुत ही छोटी छोटी जो नियम हैं जो बहुत ही आसान हैं, लेकिन जो बहुत ज़रूरी हैं ज़िंदगी के लिए,
तो उनको प्लीज़ 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 फॉलो करें। जब आप दोनों को पता चला कि आप इसका हिस्सा बनने वाली है, क्या कुछ विचार आपके दिमाग में चल रहे थे? देखिए, ऐसा कुछ करेंगे या ये कुछ बदलाव लाने की कोशिश करेंगे? जनरली जो हम लोग इवेंट्स में जाते हैं वो ऐसे सोशल इवेंट्स होते हैं जिसमें लोग बहुत सारे रहते हैं, नाच गाना होता है। ये ऐसा इवेंट है जिसमें सोशल अवेयरनेस है, जिसमें एक कॉज के लिए है, और किसी कॉज के लिए आप जब हिस्सा बनते हो जिससे लोगों का फ़ायदा होता है तो उसमें एक अलग खुशी होती है। तो जब ये पता चला कि ये सप्ताह चल रहा है और ये सप्ताह में मतलब हम लोग इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं NTV के माध्यम से, तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सिर्फ एंटरटेनमेंट के साथ साथ लोगों के काम भी आ रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। और जनरली रोड पे अगर हम लोग देखते हैं ट्रैफिक पुलिस, तो कहीं ना कहीं डर सा लग जाता है, कहीं कुछ गलती तो नहीं कर रहे, लेकिन आज इतने सारे ट्रैफिक पुलिस हमारे आस पास थे और उनके साथ में बैठ के हम ये इवेंट कर रहे हैं और आज बिल्कुल डर नहीं लगा, तो अच्छा लगा इस इवेंट का, इस मुहिम का हिस्सा बन के। शुभांगी जी, क्या लगता है अभी जिस तरीके से ट्रैफिक के इतने सारे सभी को लाइक मिलते, सभी के घर आते थे इतने सारे रिसिप्ट कि अभी आपको इतने पे करने, क्या ये एडवर्टाइजमेंट के बाद वो सभी संख्या कम हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। हम लोग जैसे कई बार ही ऐसा होता है, आपका ड्राइवर भी लाइक मेरा ड्राइवर भी ऑरेंज हो रहा है और ऑरेंज में निकाल दिया, बट हमेशा यही छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब हम घर में बात करेंगे इसके बारे में या जब लोग हमारे एपिसोड्स के साथ हंसते खिलखिलाते हुए एक नई बात को भी सुनेंगे तो शायद उनके घर में चर्चा होगी और इस बात का और ज़्यादा लोग ध्यान रखेंगे, तो इट्स अ गुड थिंग। और मुझे लगता है कि यस, जो घरों में जो रिसिप्ट पहुँच रही हैं आजकल, क्योंकि हर जगह कैमरे लगे हैं, सबका इंस्पेक्शन, वो बोलते हैं ना कि सबका टाइम बराबर चल रहा है, बट गवर्नमेंट के उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी थोड़े पैसे मिलने में, क्योंकि एक्चुअली सीट्स कम आएंगे, अब बंद तो नहीं होंगे लेकिन कम ज़रूर हो जाएंगे। लेकिन हाँ, लोगों को इन सब चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बिल, जिस अंदाज में आप इस एडवर्टाइजमेंट के जरिए सभी को जागरूक कर रही है, उस अंदाज में कुछ कहना चाहेंगी सभी व्यूअर्स को? हाँ, हम क्या बोल रहे हैं, हम तो एक छो ही बात बोलेंगे, जितने भी सड़क सुरक्षा नियम हैं उन सब का पालन कीजिएगा, है कि भाभी जी घर पर हैं और आपकी पड़ोसन भी घर पर है जो आपका इंतज़ार कर रही हैं। सही पकड़े हैं। Well, और भी क्या कुछ आपकी तरफ से मैसेज देना चाहेंगे उन सभी लोगों के लिए, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं वो लापरवाही होती ही है, कहीं ना कहीं सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं, तो जो यंगस्टर्स हैं उनकी अभी भी स्पीड जो लेवल है, कई बार आप जैसे मैं कई बार एयरपोर्ट से लॉटरी होती तो मैंने रात को बहुत सारे मतलब लड़कों को हम देखते हैं, बाइकर्स को जो बहुत स्पीड में एकदम फ्लाईओवर्स पे और आपके आसपास से निकलते, तब उनको देखकर बहुत डर लगता है, तो आई होप एंड विश कि वो समझेंगे इस बात को। और बस यही है कि छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना ये ज़रूरी है, और प्लीज़ प्लीज़ इन नियमों का पालन करें जो आपके जीवन के लिए और आपके अपनों के जीवन के लिए। जाते जाते भाभी जी, ये भी बताइए कि आने वाले दिनों में और भी क्या कुछ नए ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने मिलेंगे, क्योंकि साथ ही जी हैं अभी तो। खैर, ये आज हम यहाँ पर रोड सेफ्टी की बात करने आए हैं, तो यस, इसके ऊपर भी एक एपिसोड बनना चाहिए, डेफिनेटली हम बनाएंगे। और अभी थोड़े दिन पहले इनफैक्ट एक सीन गया था जिसमें विभूति कुमार अंगूरी के साथ जा रहे और हैंडल छोड़ कर और गाना गा रहे, और मैं उनको डांटती हूँ कैसे है स्कैंडल, ना ही छोड़िए हैंडल, तो वो ना ही छोड़िए, ना ही तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें हम ऐड करते रहते हैं। ओके, एक ये जानना चाहेंगे आज का जो मुहिम है ये किस लिए है, क्या कुछ जागरूकता आप सभी को दे रहे हैं? रोड सेफ्टी वीक के अंतर्गत रास्ता सुरक्षा की जन जागृति करने के लिए आज का प्रोग्राम लिया गया है, और इस प्रोग्राम में NTV ने हमारे साथ में आकर इनका जो पॉपुलर शो है भाभी जी घर पर है, इसके इनके आर्टिस्ट हैं, इनके द्वारा कुछ मैसेज बनाए हैं और उस मैसेज को आज लॉन्च किया गया है। साथ ही हम देख रहे हैं कि हमेशा से हम ट्रैफिक की जगह पे सभी ट्रैफिक पुलिस को देखते हैं, लेकिन आज भाभी जी भी दिख रही है यहाँ पे, किस तरीके से ये एडवर्टाइजमेंट सभी को दिखाया जाएगा, क्या कुछ इसमें जागरूकता है कि किस तरीके के जिंगल्स बनाए गए हैं, कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? इनका जो सीरियल है, इनके दर्शक है, इनके ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक हम लोग पहुँच पाए, इसके लिए हम लोग ने उनको साथ लिया है, और ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक अगर ये देख पाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता पैदा होगी, और इससे अगर लोग
ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हैं तो पूरे शहर के लिए अच्छी बात है। साथ ही अभी हमने बात किया भाभी जी से, तो हमने कहा कि कहीं ना कहीं लाइक सीसीटीवी के बाद तो सभी के घर बहुत सारे रिसिप्ट आ रहे थे, क्या एडवर्टीजमेंट के बाद कहीं ना कहीं वो रिसिप्ट की संख्याएं कम होगी? उम्मीद है कि कम होगी, लेकिन फिर भी हम लोग भी हमारा काम करते रहेंगे और लोगों का काम है कि जो ट्रैफिक के नियम है उनका पालन करना, उन्होंने करना चाहिए, क्योंकि ना कि वो उनके खुद के लिए, उनके परिवार के लिए ज़रूरी है, बाकी दूसरे लोगों के लिए भी ये ज़रूरी है। साथ ही आपने अभी कहा कि ट्विटर के थ्रू भी हमेशा डेली कुछ ना कुछ ट्वीट किया जाता है, आपसे जानना चाहेंगे आप ट्विटर पर कितना लोगों की बातों को फॉलो करते हो, उनकी कौन कौन सी चीज़ों को आप लोग नई और भी चीज़ें लाने की कोशिश कर रहे हो? ट्विटर में हम लोग ट्रैफिक अवेयरनेस के मैसेज तो पोस्ट करते ही है, लेकिन इसके ऊपर जितने भी कंप्लेंट्स आते हैं उन कंप्लेंट्स का 10 से 15 मिनट में हम लोग रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और इसके बारे में हमारे जो ट्रैफिक के रोड पर ऑफिसर्स एवं कॉन्स्टेबल्स हैं उनको तुरंत मैसेज दिया जाता है और उस जगह पर पहुँच कर जो भी ट्रैफिक का ऑब्स्ट्रक्शन है या जो भी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। हम हमेशा रोड्स पर देखते हैं कि कुछ ऑब्जर्वेशन जब तक होती है हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ नए नए चीज़ें दिखते हैं, आने इस साल में और भी कौन से नए नए चीज़ें और भी देखने मिलेंगे कुछ आप बताना चाहेंगे एज लाइक रोड सेफ्टी? साथ ही हम देखते हैं कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग के लिए जिस तरीके से एक नई नई चीज़ें की जा रही है और भी कुछ नई चीज़ें आएंगी? रोड सेफ्टी का अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और भी कैंपेन चलाएंगे, और भी कुछ आर्टिस्ट को साथ लेकर कैंपेन चलाएंगे, और कुछ टेक्नोलॉजी का उपयोग कर जो ट्रैफिक का वायलेशन का रूल्स का वायलेशन करने वाले उनके ऊपर भी हमारी कार्रवाई शुरू रहेगी। जाते जाते उन सभी दर्शकों के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ मैसेज होगा? सभी के लिए हमारा मैसेज यही है कि ट्रैफिक यातायात के नियमों का पालन करें, जिससे आपका जीवन सुरक्षित रहे। धन्यवाद।